हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु पंजाबी आपके सामने। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत सरप्राइजिंग इविक्शन हुआ और बहुत सोचने वाली बात हो गई कुछ मिनटों के लिए कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, माय गॉड कौन निकलेगा। बट बेसिकली एक बात देखी जाए ना तो बहुत क्लियर था कि जब नेहा को बार बार लोग नाम ले रहे थे, जैसे कि नेहा का नाम लेने वाले लोग थे सुरभि, सृष्टि रोड एंड सभा सोमी ने उसका नाम लिया था, जसलीन ने उनका नाम लिया था, देन दीपक ने भी नेहा का नाम लिया था। तो जब ये नाम लिए जा रहे थे तब हमें लग रहा था श्री तो बच गया। दोस्तों बेसिकली बिग बॉस ने फ्लिप क्यों खेला, ये मैं मेरे नजरिए से मेरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बिग बॉस को एविक्शन नहीं करना था बेसिकली, क्योंकि तीनों सेलिब्रिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे इस बार। अभी इन तीनों से जो चाहिए शो को वो निकलकर बाहर नहीं आया है। शायद नेहा का तो आ चुका होगा, मगर श्री का और करणवीर का अभी तक जो चाहिए शो को वो बाहर नहीं आया है। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है ना कि बिग बॉस ने घर के अंदर फूट डालने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, बेसिकली आप लोगों को जो गलतफहमी हो जाती है अंदर रहने वालों को कि हम आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारी पटरी है, उस अंडरस्टैंडिंग को खराब करने के लिए घर के अंदर बैठ के एक बार एविक्शन करने की ट्राई की। बिग बॉस ने सोचा कि अगर सपोज टू बी सारे लोग, चूंकि श्री गंदा, श्री बुरा, श्री नहीं खेलता, श्री में गेम स्पीड नहीं है, श्री किसी को फेवर नहीं करता, ब्ला 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 ब्ला, तो बिग बॉस को लगा अगर सारे लोग मिलकर श्री का नाम ले तो भी मैं डालने तो श्री को सीक्रेट रूम में वाला हूं, तो श्री एटलीस्ट ये देख लेगा कि कौन कौन मेरा दुश्मन है, लाइनअप हो जाएगा। बट हुआ क्या, बिग बॉस की चाल उल्टी पड़ गई। श्री की जगह लोगों ने नेहा को भेज दिया। अब वो श्री के रेस्पेक्ट की वजह से या डर की वजह से, क्योंकि सब लोगों ने ऑनेस्टली वोट कर दिया कि ये इन्वॉल्व नहीं होती। दोस्तों बेसिकली बिग बॉस को चाहिए था कि अगर आप लोग ट्रूली गेम खेल रहे हो तो आप लोग उसी को बार करो जिसको करना चाहते हो। ये आपको सलमान सर भी समझाते हैं और गेम की पॉलिसी भी यही है। तो आप लोगों को एक्चुअली तो श्री का नाम ही लेना चाहिए था, सेकंड पे आपको करणवीर का नाम लेना चाहिए था, जो एज एक्सपेक्टेड था बिग बॉस को कि जोड़ियां तो एटलीस्ट श्री के खिलाफ होंगी ही। बट यहां पर बिग बॉस की चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि आप लोग उल्टे हो गए, यानी जो नॉमिनेशंस यानी जोड़ियां थे और सिंगल्स थे, इन लोगों ने उनका नाम नहीं लिया जिनसे बिग बॉस एक्सपेक्ट करता था कि अपने कॉम्पिटिटर को शो से बाहर निकालेंगे, राइट? बट आप लोगों ने नेहा का नाम लिया, यहां पे बात मुड़ गई। बिग बॉस ने इमीडिएटली क्या किया, कहा नहीं हमारा वाला एडिक्शन तो दूसरा है, उन्होंने श्री को बाहर कर दिया। अभी देखो एक और फायदा क्या होता है, दो तीन दिन तक श्री शो से बाहर रहेंगे, इन दो तीन दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा ही मिलेगा श्री को। तो श्री जब वो चीजें देख लेगा तो ऑटोमेटिकली श्री को ये बिलीव हो जाएगा कि ये लोग गंदे हैं, तो श्री अब की बार और अग्रेसिव होकर के और खतरनाक होकर के और गेम के अंदर घुस के खेलने के लिए वापस आ जाएंगे। सो दोस्तों बेसिकली दोनों ही चीजों में बिग बॉस की जीत हुई, क्योंकि अगर आप कंटेंट नहीं दोगे तो क्रिएटिव्स को तो कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो दैट वॉज द बिग बॉस का ये वाला एंगल जो आप अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, और आप में से जितने लोगों को आ गया होगा तो वेरी गुड, आप लोग भी दिमाग लगा के शो को देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। रोमिल चाचा चौधरी कहीं पर भी मुझे गलत होते हुए नहीं नजर आते। दोस्तों मुझसे कई लोग कहते हैं आप रोमिल को बहुत फेवर करते हो, रोमिल के बारे में बहुत बोलते हो। दोस्तों रोमिल पॉइंट तो दे, रोमिल सटीक और सही जगह पे बात करता है, फालतू के उड़ते तीर नहीं लेता, किसी से कोई गलत बात नहीं करता है, जहां जरूरत होती है वहीं बोलता है, वरना कुछ नहीं बोलता। चलो रोमिल के बाद एक बार फिर से हम आते हैं टास्क के ऊपर कि टास्क किस तरह से खत्म हुआ और किस तरह टास्क को हम लोग समझेंगे। देखिए आपकी नजर में क्या हुआ कि श्री ने कमिट कर रखा था सृष्टि रोड को, हम कल तक देख रहे थे कि मैं तुम्हें कैप्टन बनाऊंगा, उसने वो चीज कर दी। कई लोगों को लगा श्री तो गेम खेल गया, उसने दीपक को कहा था कि ठीक है कोई किसी को नहीं रोकेगा, मैं दोनों को जाने दूंगा, जो पहले पहुंच गया वो पहुंच गया। एक्चुअली इसके अंदर उर्वशी को तो जाना नहीं था, सृष्टि रोड को ही जाना था। श्री ने यहां पर भी गेम किया, श्री ने अपना मैन पावर यूज किया, साथ में अपने कॉम्पिटिटर वही लिया जो लेना चाहता था, जसलीन को उसने समझा दिया, उर्वशी को भी उन्होंने समझा दिया कि फिजिकली फालतू चक्कर में नहीं पड़ते, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो। बट दोस्तों आपको लग रहा होगा कि खेल गया श्री संत, एक्चुअली श्री नहीं खेला, इसमें खेली सृष्टि रोड, जिसने दो दिनों के अंदर अंदर अपनी एक फ्रेंडशिप इस तरह से बिल्ड की श्री के साथ में। अगर आप देख रहे हो तो पिछले दो तीन दिनों से वो श्री के साथ है, उसने ये प्लांटेशन लास्ट वीक कर दी थी, उसने आकर के एग्जिट गेट, जो मेन गेट जहां से एंट्रेंस होती है हम लोगों की और एग्जिट होती है, उस गेट पर श्री को खड़ा होकर के दीपिका के बारे में कुछ बातें बताई थी, राइट? तो उसकी प्लांटेशन उस दिन से चालू हो गई थी,
तो दोस्तों उसने उस प्लांटेशन को धीरे 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 करते हुए कहा मुझे कैप्टन बनना है श्री को। श्री को ये लगा कि कोई मुझसे पर्सनल फेवर मांग रहा है, श्री ने उसको बना दिया। तो एक्चुअली जो खेल गई इस गेम के अंदर वो थी सृष्टि रोड। उसने सबके साथ में ये जज कर लिया कौन मेरा है। उसने सभा सोमी को भी जज कर लिया कहां तक मेरे साथ जा सकती है। उसने दीपिका की टीम को यानी करणवीर को और दीपिका को तो पहले से जज कर रखा था। उसको लगा श्री एक ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर बैठ करके समुद्र के पार जाया जा सकता है। उन्होंने श्री का इस्तेमाल किया। सो सृष्टि कुछ दिन लगे मगर ये फ्लिप बहुत बढ़िया था, तुमने बहुत अच्छा खेला, मुझे मजा आया। दोस्तों एक और चीज कहना चाहता हूं मैं नेहा पेंसे के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूं वो कामली कूलली हर सिचुएशन से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से डील करती है यार। मतलब इतना मजा आता है ना उसको देखने में कि कोई भी सिचुएशन हो किसी भी तरह की बात हो वो बंदी आराम से पूरी बात को सुनती है समझती है और कामली उसके ऊपर चलती है। देखिए अभी हमें देखने को क्या मिला मैं आपको वो समझाता हूं कि जब बिग बॉस ने नॉमिनेशंस के लिए इन तीनों को डाला सरप्राइज इविक्शन के लिए और इनके ऊपर मिट्टी डलनी शुरू हुई तो वहां पर श्री का रिएक्ट होता हुआ दिखाया, उसका रिएक्ट होता हुआ नहीं दिखाया, मिट्टी गिरने लगी उसने कहा इट्स ओके। फिर जब वो वापस आ गई और दीपिका के सामने बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अभी वोटिंग लाइंस कंटिन्यू रहेंगी वही का वही चलेगा, वहां पर हमें करणवीर करते हुए क्या दिखे ओ शिट यार यस, और मतलब इट्स मोर लाइक उन्होंने अपने जेस्चर्स और अपनी चीजों को प्रेजेंट किया। वहीं पर हमने क्या देखा, हमने देखा बहुत आसानी से बहुत ही ज्यादा आसानी से नेहा ने क्या बोला इट्स ओके। बिकॉज एक्चुअली दोस्तों ये मैच्योरिटी ये समझदारी ये चीजों से डील होने के तरीके मुझे पता नहीं क्यों उसके बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों आज घर में बात चल रही थी कि दीपक को काफी लगी है, शिव की बहुत गलती थी, शिव ने अपनी लात चलाई जिससे दीपक को बहुत लगी है, इंजर्ड हुआ है वो। दीपक का एक बार अभी छोटा सा कटा कि दीपक श्री के कहने पे आया और रोमिल ने उसको समझाया कि भाई दादा अभी अपने पास बहुत टाइम है आराम से देख लेंगे, एक बार हो गया जो हो गया अगली बार देख लेंगे। दोस्तों एक और पार्ट मुझे जो दिखने को मिला मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी मैं आप लोगों से कल परसों तक कह रहा था कि मैं सुरभि को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं, कभी किसी को समझाती है किसी के पास जाती है अच्छी बातें करती है बुरी बातें करती है ब्ला 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 ब्ला। आज क्लियर हो गया सुरभि अच्छी नहीं है, आज क्लियर हो गया सुरभि अच्छी नहीं है। अगर शिव ने चद्दर ले ली ब्लैंकेट ले लिया वापस देने को कहा उसके बाद में चलो बात खत्म हो गई, वो हेल्दी ले रहा है लड़का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उसके जबरदस्ती हमको शाम को भी गले पड़ती हुई दिखी कि हर बात पे उसको कह रही है झापड़ मार दूंगी ये कर दूंगी वो कर दूंगी। शिव आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत तरीके से खेल रहे हो। देखो दोस्त मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, प्लीज आप समझना इस बात को समझने की कोशिश करना। जब हम प्लेन उड़ रहा होता है तब उसके अंदर एक पायलट होता है एक को पायलट होता है, चार एयर हॉस्टेस होती है उनमें से एक लीड होती है एक चक्रू होती है और दो एयर हॉस्टेस होती है। सो सबको अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ होता है। सो दोस्तों शिव को अगर ये पता है कि वो कहां तक जा सकता है किस तरह का खेल सकता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस इस शो में है, अगर वो उस तरीके से खेलता है तो दैट्स अप्रिशिएटेड, भाई तुम बिल्कुल सही जा रहे हो तरीके से खेलो तरीके से रहो। सेम जसलीन भी उतना ही कर रही है जितना उसको पता है वो कर सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए एक्स्ट्रा चीजों में घुसते हुए कूदते हुए ये लोग हमको नहीं दिखते और ये दोस्तों बेसिकली इनकी बिल्कुल सही पहचान है जो मुझे दिखती है। सो दैट्स माय पॉइंट, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड गाइस कि आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या जो मैंने आपको अभी सृष्टि रोड और श्री के बारे में बताया वो बात आपको सही लगी और कितनी समझ में आई, वरना अगर नहीं समझ में आई तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है। लेट्स कम टू द पॉइंट, दीपिका के लिए मैं कुछ अच्छे शब्द कहूंगा। दीपिका आप बहुत अच्छी हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो दीपिका ने कहा मैं श्री को कहना चाहती हूं, बिकॉज बिग बॉस ने भी उसकी पिन पॉइंट पे खेला कि सबसे पहले नाम ही उसका लिया कि दीपिका से शुरू करते हैं देखते हैं किसका नाम लेती है। दोस्तों जब बार बार आपका एक दोस्त बोलता हो मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है, किसी भी रीजन पे आकर कहता हूं मैं इसको मुक्का मार के चला जाऊंगा इसको लात मार के चला जाऊंगा, बिग बॉस तुम देख रहे हो ना बिग बॉस मजा आ रहा है ना बिग बॉस ने मेरी बॉल छीन ली बिग बॉस आपने मेरे साथ गलत कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे दोस्त को लग रहा है कि यार ये यहां रह नहीं पा रहा ये परेशान हो रहा है ये इस शो के लिए फिट नहीं है, कल को ये किसी के साथ कुछ हैपनिंग मिसहैपनिंग ना हो जाए क्यों ना श्री को घर भेज दिया जाए। तो आप तो हो दीपिका जी सीधी समझदार नहीं हो इतनी जितना कि श्री खेल रहा है, श्री आपसे अपने सारे काम करवा रहा है, श्री को बार बार पैम्परिंग होने को मिल रही है, श्री के आप आगे पीछे घूम रहे हो, श्री किसी पे गुस्सा करता है आप पकड़ने चले जाते हो श्री भाई नहीं श्री भाई नहीं श्री भाई नहीं श्री भाई नहीं, पर श्री भाई को तो देखो श्री भाई की आंखों में अगर दोस्तों आप सब लोगों ने देखा हो तो क्लियर क्लियर दिख रहा था कि भाई को शो में रहना है 5000 बार ये कहने के बाद कि मुझे नहीं रहना है, बट जैसे ही पहला वाला मिट्टी का वो कट्टा उल्टा हुआ मेरे भाई के ऊपर मेरे भाई की क्या हालत थी, शो में रहना है, उनकी आंखों में वो ललक साफ दिखाई दी जो शो में रहना चाहती है
तो आप बार बार क्यों बोलते हो मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है। जोड़ी तो नहीं बोलती है मैं घर जाना है, करण वीर गोरख सर इतना सब कुछ हो चुका है, वो तो नहीं बोलता, नहीं बोलते ना लोग। यहां पर हमारी नेहा तक नहीं बोलती घर जाना है, सर आप कहते हो और सर आपका अभी मौका आया तो आपकी है ना। एनीवे दोस्तों, तो ये बहुत सोचने का पॉइंट है। यहाँ पे लड़कियां कभी कभी गलतियां कर देती हैं और मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बहुत प्यार से डील कर लेती हैं, बट हमको दिखने को मिलता है। एक और हमको कट दिखने को मिला कि कल जो कैप्टनशिप का टास्क होने वाला है, कैप्टनशिप टास्क, उस टास्क में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से देखा कि सोमी जी सामने आई, उन्होंने पकड़ा था, सभा ने पकड़ के फेंका है सृष्टि रोड को। बट मैं दोस्तों इसमें भी आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। बिग बॉस 99% नहीं चाहता कि सभा सोमी कैप्टन बने, ये मेरी सोच है। क्योंकि देखो जिसको जिस चीज की हंगर होती है ना शो के अंदर, उसकी वो हंगर बुझाई नहीं जाती है। क्योंकि अगर हंगर बुझ जाएगी तो उसकी हंग्रीनेस चली जाएगी, हंग्रीनेस चली जाएगी तो उसको जो डिमांड है उसकी, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, जो उसको मतलब ललक है किसी चीज को पाने की, वो खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों इसको आप कभी है ना किसी के, मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी से बेपनाह प्यार करो मगर एकदम से उसको अगर चले जाओ छोड़ के तो वो आपके पीछे जाने लगेगा, बिकॉज ये दुनिया की एक रीत है। आप देखो ना, हम जैसे हमारे पास एक छोटा सा इंसेक्ट मकोड़ा हमारी तरफ चल के आ रहा होता है, हम उसको किक मारते हैं वो भी पलट के हमारी तरफ आता है। हम हमारे घर में पेट डॉग्स होते हैं, उनको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, मारते हैं, धक्का देते हैं, वो भी हमारे पास पलट के आ रहे होते हैं। सो दोस्तों ये हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, मतलब ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटीज ही ऐसी है कि हम ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। सो दोस्तों अगर आप किसी के पीछे जा रहे हो तो वो आपसे भागेगा, अगर आप उससे भागने लगोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। ये एक अलग सा तरीका है लाइफ का जीने का। तो यहीं पर बिग बॉस को पता है इनको बहुत ललक है, सृष्टि ने तो अचानक एक प्लान बनाया और इस प्लान का हिस्सा बनने लगी है वो, तो एकदम से कैप्टनशिप बन रही है। वो कैप्टनशिप को कैसे करेगी नहीं करेगी दैट इज सेकेंडरी, बट मैं जहां तक जानता हूं सभा सोनी कैप्टन नहीं बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी इसके आगे होता क्या है। शिव मुझे सही लगा, निर्मल वॉज ओके इन द शो, लाइक आज तो कोई निर्मल का काम था ही नहीं, शो जिनके ऊपर था मैं उन लोगों के बारे में मेरे अकॉर्डिंगली बात कर चुका हूं। सो एनीवेज गाइस, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नेहा आई लव यू, नेहा पेन से आई लव यू, मुझे बहुत अच्छी लगती हो आप, आपका खेलने का तरीका बहुत अच्छा है। थोड़े दिनों पहले मेरा प्यार जसलीन की तरफ था, कन्वर्ट होकर के आपकी तरफ आया, बिकॉज जो अच्छा होगा उसके लिए मैं क्लियर क्लियर कहूंगा। सुरभि की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुझे सुरभि समझ में नहीं आ रही। उर्वशी ऐसा लगता है घर की भाभी है, हमारी उर्वशी जो है वो घर की भाभी है, मतलब बहू बहू जो बेचारी सीधी सादी सी बहू होती है ना, जैसे ही कुछ घर में होता है अरे ये तो हमसे नाराज हो गए, कल उसने जब दीपक ने मुक्का मारा था टेबल पे, ये तो फिर बात बात पे गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, और आज भी वो यही कर रही थी आज वाले एपिसोड में भी, तो वो बहू है। और हमारे घर की जो मेरी सिस्टर्स ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसी सिस्टर्स देखी हैं, बट ऐसा कहा जाता है जो नंदों वाला रोल निभाई नंदों वाला वो सुरभि निभा रही है। हर किसी के टंटे में घुसना, हर किसी के फट्टे में घुसना, हमारा भी घर है, ये हमारा भी घर है। एंड श्री आपको किसी के कपड़ों को लेकर के कमेंट नहीं करना चाहिए, जो उसको हर्ट हो कमेंट ही मस्ती मजाक में भूलो, तेरे जूते अलग है हम अलग पहनते हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट ब्रो आपको नहीं बोलना चाहिए। रेस्ट गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी आज, थोड़ा सा डल सा फील कर रहा था मैं, रीजन क्या है मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, बट थोड़ा सा डल फील कर रहा था, तो दिल कर रहा था रिव्यू करूं नहीं करूं, पर फाइनली मैंने कर दिया। सो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, टिल देन अपनी अपनी मम्मी से बहुत सारा प्यार करो, पप्पा को बहुत सारा गले मिलो, अचानक अपनी बहनों को सरप्राइजेस गिफ्ट दो, अपने भाइयों को अचानक सरप्राइजेस गिफ्ट दो, बस जिससे प्यार करते हो उसके साथ रहो, और टेक केयर, बाय बाय, लव यू। मैं मनु पंजाबी, एवं ही आऊंगा जी लाइव, बाय बाय।